इतिहास के नजरिए से 22 जून की तारीख बेहद खास है। 22 जून साल 1939 को महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यहाँ सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस के अंदर ही नेताजी को ऐसी संस्था बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के समय सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जो बिना किसी दबाव के किसी के आगे ना झुके। जब और कोई सामने ना आया तो सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया को चुना। अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई, इसमें सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत और सीतारमैया को 1377 मत मिले। इस तरह सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से चुनाव जीत गए। इसके बाद त्रिपुरा में 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में न गांधी जी उपस्थित थे और न ही उनके साथी। ये सब देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। तब से लेकर आज तक 22 जून को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना दिवस कहा जाता है। इतिहास के दूसरे अंश में बात क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं की होगी। तारीख थी 22 जून 1897 की मध्य रात्रि को अंग्रेजों द्वारा अधिकृत पुणे के गवर्नमेंट हाउस में महारानी विक्टोरिया की जयंती का जश्न अभी समाप्त ही हुआ था कि हाल ही में पुणे की स्पेशल प्लेग कमेटी यानी कि एसपीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए वाल्टर चार्ल्स रैंड अपने तांगे पर सवार होकर जा रहे थे। इनके पीछे सैन्य अनुरक्षक लेफ्टिनेंट आरिएस्ट अपने तांगे में चल रहे थे। दोनों ब्रिटिश अफसर जश्न से लौटकर अपने क्वार्टर में आराम करने जा रहे थे। दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर भाई हाथों में बंदूक और तलवार लिए अंधेरे में छुपकर इनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही तांगा वहां से गुजरा, चापेकर बंधुओं ने ब्रिटिश ऑफिसर्स पर गोली दाग दी, जिसमें रैंग और अरेस्ट की मौत हो गई। बता दें कि रैंग वही अफसर था जिसने पुणे के प्लेग पीड़ितों को राहत देने के बजाय उनका अपमान किया था। रैंग को गोली मारने के तुरंत बाद दामोदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और बाद में उन्हें मौत की सजा दी गई। इतिहास के तीसरे और आखिरी अंश में बात भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की करेंगे। 22 जून साल 2007 में आज ही के दिन सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटी थीं।